What's up everybody, my name is Haris Usmani and welcome back to my YouTube channel Haris Usmani Vlog। एक मरतबा फिर भाई हाजिर है आपकी खिदमत में और आज एक मरतबा फिर मैं यहाँ पे लाइव गया हुआ हूँ और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और इस वीडियो को मैं YouTube पे भी डालूंगा, तो स्टे विद मी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मुझे बात करनी है। एक मरतबा फिर मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई है और थोड़ी सी नहीं, काफ़ी टाइम से ये चीज़ बिल्डअप हो रही थी मेरे अंदर। मैंने यहाँ पे उसको लिख भी लिया अपने पास और पहले का लिखा हुआ था, लेकिन सोचा ये कि आज इसको डिस्कस करूँगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है, कोविड सिचुएशन चल रही है इस वक्त पूरे दुनिया में और हमारे मुल्क में भी आ चुकी है, पाकिस्तान में, कराची में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ गए हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। सो टॉपिक जो मेरा आज का है वो ये है कि जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है कि ये लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, जिस प्राइस रेंज में काम कर रहे हैं, वो प्राइस रेंज मेरे हिसाब से एक बहुत डिस्टर्बिंग प्राइस रेंज है, जो एक जिसका मैं अपने आप को भी एक वो देना चाहूँगा कि क्या कहते हैं डिसएडवांटेज, कि मैंने इसके ऊपर आज तक कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा इस बारे में सोचा था कि एक सेंटर बॉडी होनी चाहिए जिसमें फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स जो हैं रजिस्टर्ड हो आके, वहाँ पे एक सेट पैटर्न होना चाहिए कि सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, सर्विसेज मार्केट में जो अवेलेबल हैं, उनकी एक प्राइस रेंज डिवाइड होनी चाहिए, डिसाइड होनी चाहिए एक अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक्स और अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उसको एक वर्ड आता है सोशो इकोनॉमी क्लास के हिसाब से जो है ना ये चीज़ें डिवाइड होनी चाहिए। सो प्रॉब्लम यहाँ पे आया है और मेरे पास काफ़ी लोगों ने ये बात बोली भी और मुझे बोला भी कि इस टॉपिक पे आप बात करो कि योर सर्विसेज आर नॉट फॉर फ्री, और वाकई में योर सर्विसेज़ आर नॉट फॉर फ्री। आप कोई भी एक छोटी सी एग्जांपल है, आप कोई भी मार्केट में चीज़ ख़रीदने जाते हो या आप एक पेंसिल ख़रीदने जा रहे हो, वो पेंसिल भी अगर 2 रुपए की, 3 रुपए की या 10 रुपए की भी है, तो दुकानदार जो होगा वो बिना पैसे लिए क्या आपको पेंसिल प्रोवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि वो एक सर्विस दे रहा है और सर्विस के साथ वो एक प्रोडक्ट भी दे रहा है। तो इसी तरह हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री है, हमारी वीडियोग्राफी इंडस्ट्री है, वो भले वेडिंग से रिलेटेड हो, वो भले कॉर्पोरेट हो, फूड फोटोग्राफी हो, फैशन फोटोग्राफी हो, इवेंट फोटोग्राफी हो, एक्सपाइजी किसी भी तरह की फोटोग्राफी हो, ट्रैवलिंग की हो, कैलेंडर शूट हो, एक्सपाइजी कुछ भी हो, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने वेंडर को, जो आपका क्लाइंट है उसको, तो उसके बदले में एटलीस्ट वो अमाउंट चार्ज करो जो उसकी वर्थ है। आपकी जो वर्थ है एज अ फोटोग्राफर वो बहुत ज़्यादा है, आप उसको इतना डिग्रेड कर देते हो अपने आप को कि आपको काम नहीं मिल रहा। वाकई में इस वक्त मार्केट की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि काम वाकई में नहीं है मार्केट में, बहुत कम है। 100% था काम तो इस वक्त 10% पे काम मौजूद है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो चीज़ 100 रुपये की मिलनी चाहिए वो आप दे रहे हो 10 रुपये की। ये तो बहुत डिस्टर्बिंग बात है मेरे हिसाब से। और फॉर बींग अ फोटोग्राफर फॉर पास्ट 6 ईयर, मैं पिछली वीडियो में भी मैंने कहा, मैंने अपने लाइव ज्ञान इसका इसलिए रखा है कि मैं ज्ञान बांटने के लिए बैठा हूँ और आपसे कुछ सीखने के लिए बैठा हूँ। तो ये जो एक चीज़ थी ना वो इतना मुझे पिन कर रही थी, इतना मुझे डिस्टर्ब कर रही थी कि मैंने सोचा आज इस पर लाइव भी जाऊँगा मैं और आज इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊँगा और उसको फ़ौरन यूट्यूब पर डालूँगा ताकि जो नए फोटोग्राफर्स आ चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आगे काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उनके लिए प्लीज़ 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 आई बैग ऑफ यू, आप एक जो सर्विस प्रोवाइड करें उसमें एक लेवल मेंटेन करके रखो, डिग्निटी का, प्राइस रेंज का, और अपना एक वर्थ बनाओ। ऐसा नहीं है कि एक इवेंट आपने किया 10,000 का तो दूसरा इवेंट आपने कर दिया 5,000 का सेम सर्विसेज के साथ। मैंने आजकल यही देखा कि नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, वो नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, नया टैलेंट आएगा तभी हम जैसे पुराने लोगों को और सीखने को मिलेगा कि नहीं ये लड़के आ रहे हैं या लड़कियां आ रही हैं तो हम अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। लेकिन बहुत दुख के साथ ये मुझे कहना पड़े, वो जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं उनमें सब नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा जो चंक है ना वो ऐसा आ रहा है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो इतनी लो प्राइस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब दिल ही दुखता है। फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर या वीडियोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर, मैं कनाडा गया वहाँ काम किया, अमेरिका गया वहाँ काम किया, दुबई गया वहाँ काम किया, जो प्रोटोकॉल वहाँ पे फोटोग्राफर का है ना पाकिस्तान में नहीं है, सॉरी टू से, वो हमें एज अ मतलब वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो फोटोग्राफर अगर आया है तो उसको इतनी बेइज्जती से ट्रीट किया जाता है कि मेरा दिल दुखता है। वाकई में मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं तो जवाब दे देता हूँ।
लेकिन जो नए बच्चे आते हैं वो वाकई में जवाब नहीं दे पाते, और वो मतलब जवाब क्या, वो आई थिंक इज़्ज़त कर जाते हैं। हमारे माशरे का एक उसूल है कि बड़ों की इज़्ज़त करना है, लेकिन आपने एक पिक्चर क्लिक करी और दूसरे बंदे ने आके बोला कि यार तेरा काम क्या, एक क्लिक ही तो करना है। ऐसा बहुत बार होता है, वो नए बच्चे हो, वो पुराने लोग हों, किस कोई भी हो, ये पॉइंट बहुत मैटर करता है कि आपकी जो सर्विस है ना उसमें डिग्निटी कितनी है। आपको डिग्निटी से काम करना है। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो आपने उसको उसी वक्त रोक देना है कि नहीं, यू आर रॉन्ग, ऐसे बात नहीं करनी। अगर एक क्लिक ही का सवाल है तो आप खुद कर लो, आपने मुझे हायर क्यों किया, या एक्स वाई जी किसी और से करवा लो, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, भले 10,000 ही दे रहे हो। लेकिन हमेशा यही कहा मैंने कि कभी भी काम करो, कोई भी काम करो। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहला काम किया था फोटोग्राफी का, उसमें भी मैंने पैसे चार्ज किए थे, मैंने कभी भी फ्री में काम नहीं किया। तो बात ज़्यादा लंबी नहीं करनी, शॉर्ट बात करनी थी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। ये मेरा लाइव ज्ञान का सेशन है, इसमें मैं लाइव भी जाता हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे भी अपडेट करता हूँ, और आज ही ये वीडियो अपडेट कर दूँगा कि योर सर्विसेज आर नॉट फॉर फ्री। वीडियोग्राफर फोटोग्राफर, प्लीज़ थिंक, ओपन योर माइंड, बी क्रिएटिव। और पिछली वीडियो में जो मैंने कहा था अपना इक्विपमेंट मस्त सेल करो यार, इतनी मेहनत से जमा किया, इतनी मेहनत से अपना एसेट है, वो तुम्हारा एसेट, उस एसेट को यूटिलाइज़ करो। उस एसेट को जब यूटिलाइज़ करोगे तभी आगे जाके आपको उससे बेनिफिट होगा। आप सेल आउट कर दोगे एक महीने के लिए, आपका मौशी हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगले महीने क्या करोगे, घर का सामान तो नहीं बेचना ना। सो प्लीज़ बी क्रिएटिव, बी थिंकफुल, और सोचो क्या कर सकते हो। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंजेस मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे जॉनराज हैं, सो उनको यूटिलाइज़ करो और आगे अच्छा काम करो। अपनी जो वर्थ है ना उसको मेंटेन करो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना अकॉर्डिंगली पैसे चार्ज करो। और एक मेरे हिसाब से एक छोटा सा सजेशन है, अगर कुछ लोग, दो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड एज अ मैसेज कीजिएगा कि एक सेंटर बॉडी होनी चाहिए। आई गेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शायद बनाई हुई है, लेकिन उसको कोई यूटिलाइज़ नहीं करता। वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ तो गालियाँ पड़ती हैं, धक्के पड़ते हैं, और आप गर्मी में बातें सुन के वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि क्राइटेरिया क्या है, आगे करना क्या है। तो एक सेंटर बॉडी बनानी हम फोटोग्राफर्स को, वीडियोग्राफर्स को मिल के, उसमें प्राइसिंग हमें करनी है, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वेडिंग हो, एक्स वाई जी कोई भी, प्राइसिंग रेंज हमें डिवाइड कर देनी है अकॉर्डिंग टू एसएससी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। उसके बाद हमने इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। इस आइडिया को आज मैं इसी वीडियो में, मेरे दिमाग में बिल्कुल आया तो मैंने कहा आपसे बात करूं। सो प्लीज़ इस आइडिया को जनरेट करें, कोई भी जनरेट कर ले, मैं कोई कॉपीराइट की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये होना चाहिए। एक सेंटर बॉडी होनी चाहिए फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर की। प्रेस क्लब होगा लेकिन वो एक गिने चुने लोगों के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। मैं गया, धक्के का आगे आ गया। सो बहुत गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है, आप पिछली वीडियो से भी आपको आइडिया हुआ होगा। और ये जो टॉपिक था ना, योर सर्विसेज आर नॉट फॉर फ्री, योर सर्विसेज आर नॉट फॉर फ्री, माय सर्विसेज आर नॉट फॉर फ्री, प्लीज़ थिंक। और एंड में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि चैनल पाकिस्तान का है, आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइक करना चाहते हैं कर सकते हैं, और शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड में मैं सिर्फ यही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।